नमस्कार, यार छोटे कम सभी का स्वागत है साक्षात्कार संख्या 801-801। आज हमारे साथ है राहुल जैतो सावड़ा, गांव है रतनगढ़ चूरू। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार जी, आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, ये तो वीडियो यार छोटे संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ लाभ जिम्मेदार होंगे इसका कोई व्यवसाय में मालिक नहीं होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कराएंगे, ठीक है। तो शुरुआत है परिवार से, माता पिता क्या नाम है? पिता का नाम है मुन्ना लाल तो सावड़ा और माता का नाम है मंजू देवी। मंजू देवी। और दादा दादाजी का? दादाजी का नाम है केसर राम जी तो सावड़ा और दादी जी का नाम है संपत्ति देवी। संपत्ति देवी। और पीछे याद है परदादा जी का? हाँ बताएं। परदादा जी का नाम है लुणा राम जी तो सावड़ा और दादी जी का नाम है दापू देवी। और पीछे याद है? और पीछे दादाजी का नाम है चुन्नालाल जी तो सावड़ा। बुजुर्ग कहाँ से उठ के पता है? श्री राजलदेसर से। राजलदेसर से, ठीक है। और ननियाल कौन सी का है? ननियाल लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ है शहर में? हाँ। नानानंद जी का नाम? नाना जी का नाम है सांवरमल जी सांखला और नानी जी का नाम है श्रवण देवी सांखला। ठीक है। और शादी हो चुकी? नहीं। आयु कितनी है अभी आपकी? आयु 21 साल हो गई। ठीक है। और दो चार सवाल और पूछ लेते हैं। प्रिय मित्र आपके? प्रिय मित्र अशोक सिंह राठौर। और प्रिय गुरु जी? प्रिय गुरु जी वैसे तो राकेश जी गहलोत है, लेकिन यहाँ पवन जी सर। नहीं, अच्छी दोनों को बताना चाहिए ना, ठीक है। और खेलों में रुचि रही है? नहीं सर। साहित्य में रुचि रही है? समाज सेवा में रही थोड़ी बहुत? समाज सेवा में थोड़ी बहुत। अच्छी बात है। वृक्षारोपण किया कभी? हाँ किया। अच्छी बात है। और खान पान में क्या अच्छा लगता है? खाने में वही नॉर्मल रोटी सब्जी। और फलों में? फल सभी चलते हैं। फूल कुछ? कुछ सुगुन अशुगुन। वार? वार मंगलवार। और मौसम? मौसम बसंत। भ्रमण किया कहीं? कोई बात नहीं। कोई बिंदु जिसे बोलना चाहें आप, आपको ध्यान हो इसमें बोल सकते हैं आप। चलो मैं बोल लेता हूँ। वर्तमान में भारत की राजनीति कैसे चल रही है? राजनीति अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा क्षेत्र के, माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है। नहीं, राजस्थान का तो हम बताएं, लेकिन भारत की जो राजनीति, केंद्र की राजनीति कैसे चल रही है? केंद्र की राजनीति वैसे तो अच्छी चल रही है। अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि भारत जो अगले 20 सालों में सुनहरा अध्याय लिखेगा, अपना नाम जो है वो विश्व के देशों में, अग्रणी देशों में कर पाएगा, लगता है आपको? हाँ, लगता है सर। जैसे पीछे की हिस्ट्री देखे तो 15 सालों के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। आपको लगता है विदेश नीति में कुछ परिवर्तन आए हैं? हाँ बहुत ज़्यादा सर। जो विदेश हमें हमारे भारत को कुछ नहीं समझते थे, वो आज उन्हें झुकना पड़ता है। विकास के मामले में देखें तो भारत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है विकास। अच्छी बात है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वर्तमान में आप रक्षा में जाना चाहेंगे ना? हाँ, अच्छी बात है। आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। क्यों? समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।